नमस्कार, मैं हूँ सुरभि भटेवरा। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी परिचय का मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनके बारे में दर्शकों को बताना चाहूंगी। युवा साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं नलोत्पल मृणाल जी, जो एक कवि है, लेखक है, सामाजिक कार्यकर्ता है और राजनीति भी कर लेते हैं। आज इनका वेब दुनिया के इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। सर, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आपको 21वीं सदी का लेखक कहा जा रहा है, उभरता हुआ लेखक, और जो लेखक बनने की राह पे निकले हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अभी सेशन में भी मैंने ये बात कही कि लिखने के लिए पढ़ना और पढ़ने के विषय में ऐसी चीजें पढ़ना जिससे आपको विचार मिल सके। तो वही मैं रेसिपी पढ़ने की बात कहूँगा कि केवल साहित्यिक चीज़ें ना पढ़ें, बल्कि नॉन फिक्शन का भी अर्थ ही है कि आप अपने कल्चर को पढ़ें, अपने इतिहास को पढ़ें, अपने भूगोल को पढ़ें। तो ये सब चीज़ें लिखने वालों के लिए पढ़ना जरूरी है। जी सर, कोई भी पिता ये नहीं चाहता है कि उनके बच्चे आगे जाकर लेखक बने, इस पर आपके क्या विचार? उसको बदलना चाहिए। और आप ये सब तो हमारे समाज का काम है, हमारा काम है कि हम इस धारणा को बदल सकें। लेकिन सर, ये बहुत टफ है, देखा जाए टफ तो है, टफ तो भारत की आज़ादी भी थी, लेकिन सब आज़ाद हुए हम लोग, है ना। और जो है कि और ये आप देखिए अगर तो कि अंग्रेजी में कैरियर है, इंग्लिश नॉवेल में लोग वहाँ के लेखक अपनी नौकरी छोड़ के लिखने आ रहे हैं जी। तो हिंदी में भी कोशिश कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, दीपप्रकाश दुबे कर रहे हैं, आशीष चौधरी कर रहे हैं, तो ऐसे लोग कर रहे हैं, तो कोशिश होगी तो कैरियर बनेगा। हिंदी में अगर सर देखा जाए तो लोग साइड, मतलब लेखन को साइड में रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक अर्निंग सोर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा मानते हैं लोग। लेकिन अब हम अर्निंग की ही बात कर रहे हैं कि अर्निंग के लिहाज से ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि चीजें बन पाए और फिर इसको कैरियर के रूप में आप लोग देख पाए। जी सर, आपके लाइक डार्क हॉर्स जिसे युवा साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया है, उसके बारे में दर्शकों को बताइए कि क्या थी उसको लिखने की कहानी? नहीं, अब तो वो किताब तो ऐसी है कि अब उसके बारे में मुझे बताते हैं लोग। अच्छा। कि हमने इसमें ये पढ़ा और ये जाना और ऐसे देखा जी। तो डार्क हॉर्स पर अब कहने को कुछ नहीं है, डार्क हॉर्स लाखों 2 लाख से अधिक किताबें निकल चुकी हैं पार्ट जी। तो वहाँ कहने के लिए कुछ नहीं है। दूसरी औघड़ आई थी, तीसरी यार जादूगर भी आई है। तो उस पर अभी पाठ की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। तो किताब की उम्र तो बहुत लंबी होती है, किताब तो बरगद का पेड़ है, वो एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ियों। बट सर, अब जिस तरीके से किताब तो जैसे आपने कहा कि मतलब एक लंबे टाइम तक चलती है, लेकिन डिजिटल फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रही है, उसमें आप कितना वो देखते हैं कि मतलब कितना ईजी है वो पढ़ना या फिर किताब पढ़ना? किताब का विकल्प नहीं है, क्योंकि किताब हम लोग के प्रिंट की किताब ही बिक रही है। प्रिंट की किताबें लाखों में बिक रही है, इसका मतलब है कि किताब के पाठक कम कभी नहीं होंगे, अभी तो नहीं दिख रहे हैं। डिजिटल आप ठीक है, आप कुछ रेफरेंस लेने के लिए एक बार डिजिटल का पन्ना पलट देती हैं, लेकिन किताब का विकल्प नहीं है। सर, ये जानना चाहें कि जब आपने लेखन का करियर चूज किया था तो इस पर आपके परिवार की या पिताजी की क्या प्रतिक्रिया रही थी? कोई प्रतिक्रिया हमने बता के चूज नहीं किया, सीधा किताब छपवाया, घर में फोन किया, किताब आ गई, किताब बिकने लगी, तो भी पढ़ रहे थे, तो भी नौकरी के लिए एग्जाम दे रहे थे। एक समय ऐसा आया कि जब लगा अब नहीं देना है जी। फिर फुल टाइम राइटिंग करने लगे। तो मुझे लगता है कि ये कोई वो बहुत त्रासदी नहीं है, लेकिन बशर्ते कि आप इसमें अपने करियर के लिए संभावनाएं बनाएं, मेहनत का काम है जी। सर, जो युवा है जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें आप वेब दुनिया के माध्यम से क्या संदेश? यही कि भाई आप पठनीयता को जब बढ़ाइएगा तो आप लेखक भी पैदा कर पाइएगा। अगर हम लेखक केवल बनाते जाएंगे और पाठक नहीं तो फिर मुश्किल है। तो आप एक लेखक हैं, लेकिन आप एक पाठक भी हैं। पठनीयता का विस्तार कीजिए, किताब पढ़ने की आदतों को एक दूसरे के बीच में हम कितना विकसित कर पाएं वो महत्वपूर्ण है। तो फिर निश्चित रूप से लेखक और पाठक की एक नई दुनिया बन के आएगी आपके नई दुनिया चैनल के माध्यम से। मैं यही कहना चाहूँगा, वेब दुनिया के। तो यह था हमारे साथ नलोत्पल मृणाल जी, जिन्होंने एक लेखक के तौर पर युवाओं को जरूरी मैसेज देने की कोशिश की है।